लिए वोटों की गिनती कल होनी है। वोटों की गिनती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में 5 स्थानों पर बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर, जम्मू में वोटों की गिनती होगी। मतगणना प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे डाक मत पत्रों से शुरू होगी, जिसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों को ही मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी और सुबह 7:30 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जो डाक मत पत्रों के साथ शुरू होगी। और फिर 7:30 बजे के बाद, उसका आधा घंटा बीत जाने के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। सिर्फ अधिकृत लोगों को ही मतगणना केंद्र में जाने की अनुमति होगी। वहीं जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने बताया कि जम्मू में मतगणना के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए जम्मू में बनाए गए 2 मतगणना केंद्रों पर मतगणना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस, यातायात और अन्य संबंधित विभागों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1500 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक दलों और आम लोगों के लिए मतगणना के दिनों में कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उन्हें इसका पालन करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला आपको बताना चाहूंगा कि 4 जून को काउंटिंग है, पूरे देश भर में है। तो यहाँ भी जो काउंटिंग के लिए अरेंजमेंट्स है, तो 3-tier सिक्योरिटी पूरा इंतजाम किया गया है। और जो काउंटिंग होगा वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएएम कॉलेज में होगा। तो एमएएम कॉलेज में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काउंटिंग का पूरा तैयारियां हो गई है। और साथ ही साथ जो काउंटिंग के स्टाफ हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग भी दे दिया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होंगे उनको भी पूरा ब्रीफ कर दिया गया है और साथ ही साथ उनको आई कार्ड वगैरह इशू कर दिया गया है। सुरक्षा के बहुत अच्छे से इंतजाम है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उसमें ट्रैफिक से रिलेटेड या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परेशानी नहीं है और सारे उसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो मेन है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन जो भी व्यवस्था बाहर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड रहेगी उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। राजेंद्र टिक्कू का रुख करते हैं जम्मू से इसी खबर पर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेंद्र, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं मतगणना केंद्रों पर? और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों और आम लोगों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्या वो प्रतिबंध होंगे, जिनका पालन करने के निर्देश खासतौर पर दिए जा रहे हैं? जी, अभी हम मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज यानी एमएम कॉलेज के अहाते के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसका बंदोबस्त सही कर दिया गया है। और जहां तक बात है सिक्योरिटी पर्सनल की, यहाँ पे अंदर आने की अनुमति किसी को नहीं है, अभी तक किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे काउंटिंग सेंटर्स को का कायम अमल में लाया गया है। एक तो मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज और दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू, जो बिल्कुल इसके पिछवाड़े में है और वहां पे ही काउंटिंग की जाएगी। 265 के करीब बताया जा रहा है कि यहां एमएम कॉलेज में काउंटिंग टेबल्स होंगे। और जहां तक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात है, वहां पर 35 के करीब ऐसे काउंटिंग टेबल्स का कायम अमल में लाया गया है, जहां पे ये काउंटिंग सुबह करीबन 8 बजे बताया जा रहा है शुरू होगी। जैसा आपने कहा कि 7:30 बजे जो भी पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग होगी और उसके फौरन बाद आधे घंटे बाद वो जो ईवीएम्स हैं उनका उनकी काउंटिंग शुरू होगी। और जहां तक बात है, जैसा आपने कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है, आप अगर देख सकते हैं कि यहां पे बिल्कुल जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं खातिर खा इंतजाम किए गए हैं उसके, और खास चेकिंग के साथ ही जो भी एहलकार यहां अंदर आए हैं उनको अनुमति दी जा रही है अंदर जाने के लिए। जी जासमीन, बिल्कुल राजेंद्र। और सबसे पहले बताया जा रहा है कि 7:30 बजे डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद फिर ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। जम्मू में कहां कहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ सिर्फ राजनीतिक दलों को ही अंदर जाने की अनुमति इस दौरान दी जाएगी। राजेंद्र, यहां पे जहां की बात करें, अभी तक जो जम्मू की बात करेंगे तो एम मौलाना आजाद मेमोरियल एक सेंटर है और दूसरा पॉलिटेक्निक, जो पहले ही मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक है जो बिल्कुल यहां से करीबी दूरी पे है, वहां पे इसका इंटरकनेक्शन है, यानी बिल्कुल आप एमएम कॉलेज और पॉलिटेक्निक के बीच में रास्ता है जहां पे
आम तौर पर सिक्योरिटी लगाई गई है और पैसे दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे, यहां पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है, बिल्कुल जो यहां पे मुस्तैदी के साथ जो यहां सिक्योरिटी के अहलकार हैं, जो प्राइवेट बसेस हैं, ये टैक्सी हैं, उनके लिए भी, और खासकर अगर कोई ऑफिशियल है जिनके लिए हायर किया गया है ऐसे व्हीकल्स को, उनको भी अंदर बिल्कुल प्रॉपरली फिजिकल के बाद ही अंदर दिया इजाजत दी जा रही है अंदर जाने के लिए। जी जसमें बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, हम देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और कल का दिन महत्वपूर्ण है, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिहाज से बल्कि पूरे देश भर के लिए, क्योंकि सरकार अगली किसकी होगी इसका चुनाव कल हो जाएगा। राजेंद्र बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।